क्या आपके भी पौधों की पत्तियां एकदम पीली पड़ चुकी हैं, स्पेशली जो है हिबिस्कस प्लांट की। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा नुस्खा शेयर करूंगी जो आपके पौधों में से फंगस को भी हटाएगा। पत्तियां पीली हो चुकी हैं, रूट गल चुकी हैं, रूट में फंगल लग चुका है, तो उससे भी राहत रहेगी। और ये जो नुस्खा है वो एकदम टेस्टेड है। मैं आपके साथ में रिजल्ट भी शेयर करूंगी, जिस प्लांट पर मैंने इसको अप्लाई किया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। पौधे लगाना सभी को पसंद होते हैं, लेकिन पौधों में फ्लावरिंग के आने के पहले ही पौधे अगर आपकी पत्तियां येलो कर एकदम से स्टेम पूरी पीली होकर झड़ जाती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसको मैं लेकर आई थी, मैंने आपके साथ में फ्लावर भी शेयर किया था, हाइब्रिड वैरायटी का है। अगर आप भी ऐसे ही प्लांट लाए हैं और प्लांट लाने के बाद में कुछ दिन बाद में फूल एक दो बार खिले, उसके बाद में पौधा जो है पत्तियां झड़ाने लगा है और जो है स्टेम से एकदम से खाली हो गया है, पत्तियां पूरी झड़ गई हैं पीली होकर, तो आज जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आप उसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपके किसी भी प्लांट पर, मैंने हिबिस्कस के प्लांट पर ट्राई किया था, आप ये प्लांट जो देख रहे हैं ये प्लांट की ग्रोथ एकदम से रुकी थी और पत्तियां एकदम से ही पीली होकर झड़ गई थी। पूरा प्लांट जो है मेरा खाली हो गया था, खाली इसमें स्टैम्प रह गई थी। अभी आप देख सकते हैं इसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो मैं पहले आपको यही दिखा देती हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके प्लांट भी इसी तरीके से फिर से जिंदा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट ये है, ये भी एकदम से खाली हो गया था। ये जो भी मैं दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड हिबिस्कस ही है और हाइब्रिड हिबिस्कस मेरे पास में ज्यादा नहीं है और मैं ला भी नहीं पाती हूँ, कॉस्टली मिलते हैं। तो मैंने जो है ये कटिंग से लगाए थे, ये जो दोनों ही प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं ये कटिंग से लगाए थे और लगाने के बाद में कटिंग इनकी सक्सेस भी हो गई थी, वो भी मैंने शेयर किया था किसी वीडियो में लगभग 6-7 महीने पहले। और बारिश के कारण इनकी जो है पूरी ही स्टेम खाली हो गई थी और किस तरीके से मैंने इनको सर्वाइव किया है आगे अब मैं आपको वो दिखाऊंगी। और मैंने ये वाले हिबिस्कस पे भी ट्राई किया था, ये येलो कलर का देसी हिबिस्कस है, येलो और रेड शेड में आता है, तो इस पे भी आप देख सकते हैं नई नई ग्रीन पत्तियां आने लगी, येलो पत्तियां नीचे से थी और पूरी स्टेम जो है खाली हो चुकी थी, अभी आप देख सकते हैं इसमें नई नई ग्रीन पत्तियां आने लगी हैं। आज जो नुस्खा बताऊंगी उसको जो है आप 5 से 10 रुपए में आराम से खरीद सकते हैं और एक बार खरीदेंगे तो आपको जो है साल भर तक तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना पड़ेगा, बहुत आसानी से आपके गार्डन में जो है फूल भी आते रहेंगे और पौधे एकदम हेल्दी रहेंगे, मरता हुआ पौधा भी जिंदा हो जाएगा। फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। अब इस बाउल में आप उतना पानी डाल सकते हैं आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग। मैं कम से कम 8-10 पौधों को दूंगी, इतना हमको डालना है पानी, तो मैंने एक मग ले लिया, छोटा सा मीडियम साइज का मग है, उससे एक मग पानी लिया है। अब मेरे हाथ में आप ये जो पत्थर की तरह देख रहे हैं ये है फिटकरी। फिटकरी बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत सी जगहों पे मिल जाएगी आपको, किसी भी नाई की शॉप पे या जो है सैलून वगैरह में मिल जाएगी, जहाँ कटा जला रहता है वहां पर लगाया जाता है, तो इसका यूज करते हैं। ये आपको किसी भी भंसारी की दुकान पे जो हमारे जनरल स्टोर होते हैं वहां पर आपको मिल जाएगी 5-10 रुपए में। एक बार अगर आप इसको लेकर आते हैं तो आपको जो है बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपके मरे हुए पौधे भी जो है जिंदा हो जाएंगे। तो इसको जो है हमको कम से कम आधे घंटे के लिए इस पानी में डिप कर देना है, डाल के रख देना, बहुत ज्यादा देर तक नहीं डालना है। मैं जो है ये नुस्खा जो बता रही हूँ ये पॉट गार्डनिंग के लिए, मतलब टेरेस गार्डनिंग के लिए बता रही हूँ। अगर आप जमीन पर गार्डनिंग करते हैं तो जैसे आप पानी देते हैं उस जगह पर इस फिटकरी को किसी कपड़े में बांधकर और रख दें जहां से पानी आपका निकास होता है, तो आपके सभी क्यारी वगैरह में जहां भी आपको इसको पहुंचाना है इससे रिलेटेड पानी, मतलब कि ये फिटकरी युक्त पानी, तो ये सब जगह पर पहुंच जाएगा। तो अभी मैं पॉट गार्डनिंग के लिए बता रही हूँ, तो आधे घंटे तक हमको इसको इसी तरीके से भिगो कर रखना है। तो आधे घंटे बाद जब इसको हम निकालेंगे तो मेरा जो ये बाउल है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इस पानी का कलर कुछ येलो हो जाएगा। तो अब जितना हमने पानी इसमें ऐड किया था उतना ही पानी हम और ऐड करेंगे, सादा पानी जो सिंपल पानी होता है, तो इसमें 1 से 1.5 गुना आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं एक गुना ही, मतलब एक बार ही डालूंगी, एक ही मग डालने वाली हूँ। तो इतना पानी ऐड करने के बाद में आप इसमें कोई लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं और नीम तेल होता है, नीम ऑयल, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं इस पानी को, इस फिटकरी वाले पानी को, आप चाहें तो इसको जड़ों में डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप पानी में मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो फिटकरी का जो है पाउडर बनाकर भी आप एकदम एक चुटकी चुटकी
एक चुटकी से भी कम 8-10 इंच के गमले में यूज कर सकते हैं। तो आज मैं जो फिटकरी का यूज कर रही हूँ, मैं आपको मिट्टी में डालकर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसी तरीके से यूज किया है। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप जो है इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर इस फिटकरी का आप जो है सूखा पाउडर बनाकर डालना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लीजिए। किसी भी कूटने वाले चीज में आप कूट सकते हैं, या ग्राइंडर में थोड़ा बारीक बारीक ग्राइंड करके आप ग्राइंड कर सकते हैं पाउडर बनाकर। एक एक चुटकी अपने एक एक पौधे की मिट्टी में मिक्स करके डाल सकते हैं, उसके बाद में पानी मिक्स कर दें। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये रिजल्ट है आपके पास में। इसको मैंने 15 दिन पहले अपने पौधों पर अप्लाई किया था, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और 20 दिन में मैंने दो बार, मतलब कि 10-10 दिन में दो बार डाला है इस पर। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पत्तियां आ गई हैं, और मेरा प्लांट जो है हाइब्रिड हिबिस्कस एकदम हेल्दी हो गया है। और जैसे जैसे इसमें फूल आएंगे वो भी किसी न किसी वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब यहाँ पर आप ये जो प्लांट देख रहे हैं इसकी पत्तियां येलो हो गई हैं और कुछ व्हाइटिश पत्तियां हैं, और जैसे ही ये येलो हो के पूरी गिर जाएंगी पूरा प्लांट जो है डेड हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऊपर की ब्रांच जो है डेड हो चुकी है। तो आज मैं इसमें ट्रीटमेंट करूंगी इसका, और आगे चल के आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो इसी प्लांट पर अप्लाई करूंगी, और रिजल्ट तो मैं दिखा चुकी हूँ कि कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फर्टिलाइजर समझिए या उपाय समझिए, जो भी समझते हैं उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा धूप में इसका स्प्रे नहीं करना है, और जड़ों में तो दे सकते हैं, मिट्टी जो है गीली होनी चाहिए तब आप इसको यूज कर सकते। जब हमारे पौधे की मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है तो हमारे पौधे की पत्तियां येलो होकर पूरी गिरने लगती हैं। पत्तियां जब ड्रॉप हो जाती हैं तो ब्रांच खाली बचती है, और ब्रांच में बिल्कुल भी पत्तियों से जो है पोषण नहीं मिल पाता है, और ब्रांच जो है हमारी खत्म हो जाती है, गल जाती है या सड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमको जो है फिटकरी का यूज करना चाहिए। आप वैसे भी चाहें तो महीने में एक बार जो है अपने सभी पौधों में फिटकरी वाला पानी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पौधों को बिल्कुल भी खराब नहीं करता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है, उल्टा बेनिफिशियल होता है। पौधों को जो है मिट्टी को अच्छी उर्वरक शक्ति देता है और एल्कलाइन होने से बचाता है। तो मिट्टी देख सकते हैं काफी ज्यादा गीली है, लगातार बारिश होने के कारण जो है मिट्टी में एसिडिक लेवल ज्यादा हो गए, एल्कलाइन हो गई है हमारी मिट्टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और हिबिस्कस है। तो जैसे मैं बताती हूँ, मेरे पास में हिबिस्कस के प्लांट काफी ज्यादा है क्योंकि मैं कटिंग से लगाती रहती हूँ। ये भी येलो कलर का है, मल्टीपल पेटल का हिबिस्कस है, पंचमुखी हिबिस्कस। इसकी भी पत्तियां इसी तरीके से पूरी झड़ चुकी हैं, और कुछ पत्तियां आ रही हैं क्योंकि पौधे में पोषण है थोड़ा, तो उसके कारण देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी पत्तियां हैं। तो अब इसमें भी हम ये फर्टिलाइजर डालेंगे। फर्टिलाइजर डालने के लिए हमको थोड़ी मात्रा में ही डालना है, ड्रेनेज से हमारा फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए, और इस पौधे में भी ऐसे ही डाल दूंगी। तो मेरे 4-5 पौधे इसी तरीके से खराब होने की कगार पर थे, तो मैंने इसी तरीके से इन पर डाला है फर्टिलाइजर। तो जिस तरीके से मेरा पौधा हेल्दी हो गया है, मैं भी चाहूंगी कि आप भी यूज करें, आपके भी पौधे हेल्दी हो जाएं। क्योंकि पौधे जब हम नर्सरी से लाते हैं तो इसी उद्देश्य से लाते हैं कि पौधे हमारे हेल्दी रहेंगे, और फ्लावरिंग तो अवश्य ही होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं ये नुस्खा अपनाना तो बहुत ही आसान है। आप चाहे इसको पाउडर बनाकर दे सकते हैं, चाहे इस तरीके से आधे घंटे तक पानी में डालकर डिप करके उसके बाद में निकालकर उस पानी में डबल पानी मिलाकर आप पौधों को दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी शेयरिंग आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर करिएगा। और फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।